हे गाइस, कैसे हो दोस्तों। मैं हूं कश्मीर और आप देख रहे हैं इंग्लिश में कसैल फ्यूरिक। गाइस, क्या आपको पता है कि आपके लाइफ का, आपके करियर का सबसे बिगेस्ट मिस्टेक क्या है? बहुत कम लोगों ने इस बात पर फोकस किया होगा, बहुत ही कम लोगों ने इस बात पर फोकस किया होगा कि हमारी लाइफ की सबसे बिगेस्ट मिस्टेक क्या होती है। आज ये भी शेयर करूंगा और इसके साथ एक इंपॉर्टेंट न्यूज भी शेयर करना है। सो इस रिक्वेस्ट की वीडियो को कंप्लीट देखना और समझना कि हाँ यार, ये गलती तो हमने भी की हुई है, तो ये गलती अगर सही कर ले तो डेफिनेटली हमारा काम हो सकता है। क्या गलती किया हम लोगों ने? गलती क्या हम लोगों ने, हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से पढ़ते रहे कि चलो एकदम फोकस होकर कोई पढ़ता रह गया, कोई फोकस होकर जॉब कर सर्च करता रहा। मुझे, मैंने बहुत ढेर सारे ऐसे लड़कों को देखा है जो या तो केवल फोकस करके पढ़ते रहते सीखते रहते। अच्छी चीज है लेकिन उनका ग्रोथ नहीं हो पाता है। क्यों? बताता हूं। कुछ लड़के ऐसे जो कि दिन भर जॉब सर्च करते हैं और उनको सक्सेस नहीं मिल पाती है। आपको पता है ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों ही अलग ही अलग डायरेक्शन में है। ठीक है, ये बंदा क्या कर रहा है, ये मार्केटिंग में एकदम से वो कर रहा है कि दिन में मार्केट में दिखा रहा है कि मुझे जॉब चाहिए, फिर भी इसको सक्सेस नहीं मिल रही है। ये बंदा क्या कर रहा है, दिन भर सीख रहा, इसलिए इसको भी सक्सेस नहीं मिल रही। करना क्या था? करना ऐसे ज्वाइन था। मतलब ये कि आपको एक तरफ स्किल्स ऐड करते जाना था, दूसरी तरफ से उस स्किल्स को मार्केट करने जाना था। मतलब मार्केट करते रहते तो क्या होता, वो बैलेंसिंग हो जाता। स्किल्स सीखने के साथ जिसने इस चीज को बैलेंस कर लिया कि मार्केट को प्रेजेंट कैसे करना है अपने स्किल्स को, वही आज के टाइम में विनर है। यही सबसे बड़ी मिस्टेक हम सब कर देते हैं कि अगर हम सीखने लगे तो सिर्फ सीख रहे हैं, और अगर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं तो अप्लाई कर रहे हैं। गलत है। क्यों? अप्लाई कर रहे हो बिना स्किल्स के तो आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट नहीं होगा। और अगर तुम केवल सीखे जा रहे हो, दुनिया को कैसे पता, कंपनी को कैसे पता कि तुम कितने टैलेंटेड हो? सिविल इंजीनियरिंग गुरुकुल में मैं यही कर रहा हूं और सिविल इंजीनियरिंग गुरुकुल से रिलेटेड मैसेज भी है। सिविल इंजीनियरिंग गुरुकुल में क्या कर रहा हूं, मैंने डे वन पे ट्रेनिंग लिया, उसी दिन मैंने बता दिया कि 5 जगह ओपनिंग चल रही है, अप्लाई करो। क्यों? क्योंकि वो धीरे धीरे सीख रहे हैं ना। मैंने सिर्फ ऑटोकैड के बेस पे दिया क्योंकि मुझे पता है कि ऑटोकैड लोग सीख रहे हैं, तो ऑटोकैड के बेस पे अगर अप्लाई करेंगे तो इनको रिजल्ट आएगा। मतलब लर्निंग और अप्लाई, मतलब लर्निंग और मार्केटिंग, अगर इस दोनों चीजों को अगर आपने बैलेंस कर लिया, आप कुछ भी सीख रहे हो सिर्फ सीखते जाओ और उसके साथ उसी चीज पर ओपनिंग्स पे अप्लाई करते जाओ, हमेशा सक्सेस मिलेगी। क्या कर रहे हैं? सिर्फ अप्लाई किए जा रहे हैं, स्किल्स नहीं ऐड है उसमें, कोई शॉर्टलिस्ट नहीं करेगा, सिर्फ पढ़ते जा रहे हो। दुनिया को कैसे पता कि तुम इतने टैलेंटेड हो? आज के टाइम में इंडिया में बहुत ढेर सारे इंजीनियर्स टैलेंटेड हैं लेकिन वो जानते नहीं कि अपने टैलेंट को रिप्रेजेंट कब करना और कैसे करना है, इस वजह से सक्सेस नहीं मिल पाती है। तो इसलिए अगर आप लोग मेरे साथ आना चाहते हो, सिविल गुरुकुल के साथ आना चाहते हो, तो जो एक न्यू बैच हम लोग ने 30 मई को बनाई थी उसके लिए थोड़ा सा चेंजिंग किया हुआ है। आप सबको लेक्चर्स तो मैं दे दूंगा 30 मई को ही, बट मैं बैच स्टार्ट करूंगा 20 जून से। कब से? 20 जून से करूंगा। उसका रीज़न ये है कि मैं 10 जून के बाद घर जा रहा हूं, तो अगर 10 दिन में ही मैं आपको हॉलीडे दे दूंगा तो बीच में गैप बन जाएगा जो मुझे पसंद नहीं आएगा। इसलिए मुझे घर जाना है तो मैं 18 को रिटर्न आऊंगा 19 को, तो 20 तारीख को हम लोग बैच फिर से स्टार्ट करेंगे। मींस 20 को ही बैच स्टार्ट करेंगे एक तरीके से मानिए तो, और 20 को पूरा सारा कुछ मींस आपका जो इवनिंग में 10:30 से 11:30 आपका जो बैच रहेगा वो बैच रहेगा स्ट्रक्चर्स का, और मॉर्निंग में 8 to 9:30 जो रहेगा वो रहेगा BIM का। 20 जून को याद रखिएगा इवनिंग में 10:30 से 11:30 स्ट्रक्चर्स की बैच रहेगी, और मॉर्निंग में 8 to 9:30 आपका BIM का बैच रहेगा। कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे व्हाट्सएप कर सकते हो, और आपको टाइम भी मिल गया, आप अपना फी वगैरह भी अरेंज कर सकते हो। ओनली 20,000 फी है, 4 महीने की ट्रेनिंग है, एकदम हॉलीडम क्लियर कर दूंगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। इसलिए अगर आप लोग आना चाहते हो तो अभी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको अभी से वीडियो लेक्चर्स और स्टडी मटेरियल दे दूंगा पढ़ने के लिए, आप पढ़ते रहिएगा, 20 दिन का टाइम मिल जाएगा, थोड़ा और आप अपने आपको तैयार कर लोगे, उसके बाद 20 जून से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको आना है तो आप आ सकते हैं। गाइस, तो इस चीज़ को समझो कि मार्केटिंग को अगर हम लोग एक साथ करेंगे और उसके साथ स्किल्स भी ऐड करते रहेंगे तो हमेशा शॉर्टलिस्टिंग होगा। आप में से बहुत ढेर सारे लोग ऐसे लोगों को जानते होंगे जो कि कम पढ़े लिखे हैं, मीन्स नॉलेज है बट बहुत ज़्यादा नहीं, और उन्होंने अच्छे से मार्केटिंग की हुई अपने आप की, मतलब कंपनी में अच्छे जगह पर अप्लाई की है, उनकी सैलरी ज़्यादा है। हो सकता है वो आप ही वो इंसान हो, आपके कुछ दोस्त होंगे जो बहुत बड़े पढ़ाकू रहे होंगे अपने टाइम पे, होंगे ठीक है, मेरे टाइम पे भी थे। तो अब वो क्या होते हैं, उनका अगर उनकी जॉब पैकेज देखोगे तो बहुत ही नॉमिनल होगा, ठीक है। और बहुत ढेर सारे ऐसे बच्चे होंगे जो आपके दोस्त होंगे, बहुत ही नॉमिनल स्टडी होगी, मींस नॉर्मल स्टडी होगी, बट उनको उन्होंने साथ साथ अप्लाई किया, तो मतलब उन्होंने बैलेंस किया एक तरीके से। तो अगर आपने बैलेंस कर दिया, ये बिगेस्ट मिस्टेक सब कोई करता है,
ठीक है, अगर ये नहीं किया तो बिलीव करो आपका सक्सेस बहुत हाई लेवल पर जा सकता है। और इस वीडियो को आप शेयर भी करना लोगों के साथ कि जो ये मिस्टेक्स कर रहे हैं, ठीक है, सीखते जा रहे हो, सीखते हैं क्या मतलब यार, और प्लस जो सीख रहे हो क्या वो इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग है क्या, ठीक है। अगर मैं ऑटोकैड आपको 6 महीने सिखाऊं, क्या सिखा रहा हूं 6 महीने ऑटोकैड में, ऑटोकैड ओनली 20 से 25 दिन का सफिशियंट है, लेकिन तब ये आप पता कर पाओगे जब आपको पता रहेगा कि इंडस्ट्री में ऑटोकैड को लगता क्या है, मतलब क्या क्या चाहिए होता है इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री में जो जो लगता है वही पढ़ना है। स्टैट प्रो में क्या क्या लगता है, स्टैट प्रो में आपको बताऊं इतने तरह की एनालिसिस हो सकती है कि आप 6 महीने भी पढ़ोगे खत्म नहीं होगा, लेकिन जो कंपनी को रिक्वायरमेंट है उसके लिए 30 डेज सफिशियंट है, इसकी गारंटी मैं देता हूं, क्योंकि हमें पता है कि कंपनी में क्या क्या लगता है। सेम रैबिट में होता है, रैबिट में क्या लगता है, रैबिट फैमिली लगती है सबसे ज्यादा, पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट फैमिली लगती है, उसके बाद रैबिट के कुछ कमांड्स लगते हैं। अब पढ़ते जाओ पूरा एकदम डीप में चलते जाओ, डीप में चले जाओ, लेकिन वो बात की बात है कि आपको बाद में जाना, पहले क्या करना है, पहले अपने आप को स्किल्स ऐड करना है, उसके बाद मार्केट में प्रेजेंट करना है, ऐड करना प्रेजेंट करना है। तो ये मत भूलिए कि अगर आप सीख रहे हैं तो अप्लाई करना नहीं है, अप्लाई करते जाइए सीखते जाइए, अप्लाई करते जाइए सीखते जाइए, तो इस तरीके से करेंगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा। होप आपको समझ में आया होगा, शायद आप भी ये मिस्टेक कर रहे होंगे, कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ सर ये मिस्टेक्स तो मेरे से भी हो रही है, ये मिस्टेक्स बहुत लोगों से हो रही है, कभी हम भी इस मिस्टेक्स से गुजरे हुए हैं कि हम लोग कॉलेज के टाइम में फोर्थ ईयर वगैरह में कैसे माइंड होता था कि अरे अभी तो बस 30,000-35,000 की जॉब चाहिए, बस जॉब के अर्थ की मतलब भेजना है रिज्यूम, बस भेजना है। बाद में जब गए वहाँ पे तो बोला आप 12,000 में भी मांगे हो मुझे, तो फिर शर्म आ गई खुद पे कि यार बहुत गलत हूँ मैं, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें आप समझ सकते हो तो समझो, नहीं समझ सकते हो तो ये बिगेस्ट मिस्टेक आपके भी लाइफ से गुजरना पड़ेगा आपको, और ये आपका 2-3 साल खराब कर सकता है अगर आप समझ नहीं पाए तो। चलिए इसको वीडियो को भेजिए उन लोगों तक जो एकदम पढ़ाकू 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 बने पड़े हैं, उनको बोलिए थोड़ा कंपनी में भी अपने आप को प्रेजेंट करो, और उनको जो दिन भर अप्लाई करते बैठते हैं naukri.com पे ही बैठते हैं, उनको ही भेजो कि भाई केवल naukri.com केवल इंडीड पर बैठने से जॉब नहीं लगेगी, जॉब लगेगी जब कंबाइन करोगे, स्किल्स भी ऐड करोगे और अपना अप्लाई भी करोगे, जिसको बोलते हैं मार्केटिंग प्लस स्किल्स दोनों होना चाहिए आपके पास। चलिए थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। होप आपको ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये बिजनेसमैन का पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैंने आपको दिया, इस चीज़ को आप समझ पाएंगे। इसके रिगार्डिंग में बिजनेस में भी बिजनेस के रिगार्डिंग कैसे इसमें ग्रोथ लेते हैं उसके लिए मैं अपने पर्सनल चैनल आकाश पांडे वाले चैनल पर डालता हूं, तो अगर आपको पर्सनल बिजनेस के टिप्स चाहिए तो मेरे आकाश पांडे वाले चैनल पर आया करो, वहां पर मैं ऐसे चैनल देता हूं, यहां तो मैं सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग के कंटेंट देता हूं। चलिए जय हिंद जय भारत।